दतिया से 70 किलोमीटर दूर गोविंद महाविद्यालय के प्राचार्य एसएस गौतम ने विद्या की देवी मां सरस्वती के बारे में अपशब्द बोलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके विरोध में अनेक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर एसपी और शासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी न होने की वजह से आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एसएस गौतम की गिरफ्तारी और पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक विवेक सिरोठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अल्टीमेटम दिया और परिषद ने मांग की है कॉलेज प्राचार्य को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, साथ ही उन्हें पद से पृथक किया जाए। इसी मांग को लेकर पिछले दिन एनएसयूआई अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने राजगढ़ चौराहे पर एसएस गौतम का पुतला फूंककर अपना रोष व्यक्त किया था, जिसमें सपा कार्यकर्ता मनोज ढोगरा, जिला अध्यक्ष समीर श्रीवास्तव, जिला संयोजक ने चौक मैदान पर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कार्रवाई न होने पर जिला बंद करने का आह्वान किया। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। भोपाल में था, जैसे ही मुझे पता चला कि सौरा डिग्री कॉलेज में पदस्थ प्राचार्य एसएस गौतम द्वारा माँ सरस्वती के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, मैंने तत्काल फ़ोन पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद मेरे पास उसका वीडियो भेजा गया, तो मैंने उसको देखा तो वास्तव में इतना गलत उन्होंने हमारी माँ सरस्वती के लिए बोला कि ये लगा कि तत्काल ही अगर सामने होता तो उनके खिलाफ मैं कुछ कर देता, लेकिन मैं सुबह वापस आया और आके सबसे पहले मैंने एसपी को ज्ञापन दिया कि उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। एसपी के द्वारा मुझे बताया गया कि उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। आप विधानसभा भी लगा चुके हैं इनके मामले में? मैंने इनके खिलाफ 2 बार विधानसभा लगाई है। इनका एक रोज का है, जब भी कोई हमारे कॉलेज के छात्र कॉलेज में जाते थे तो उनके द्वारा उनके लिए अभद्र बातें करना और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लगातार बोलना, यह इनकी मानसिकता है। ऐसे व्यक्ति को दंडित करने के साथ साथ तुरंत शिक्षा अपनी नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो भी अधिक से अधिक इनके ऊपर प्रकरण हो।